सत श्री अकाल दोस्तों, नवे दिन नवी वीडियो थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। तो अज असी एक नवी जगह आए हैं जी। जे तुसीं चंडीगढ़ तो लुधियाना रोड जाते हैं तो उस रोड से एक पिंड आता है उच्चा पिंड संघोल। उस पिंड तो 6-7 किलोमीटर एक साइड में रस्ता जाता है बाठा भामिया, बाठा पिंड लाग गया तो भामिया पिंड लाग गया। इतने गुरुद्वारा साहब बनया हुआ जी भामिया साहब। ये गुरुद्वारा इतिहासक गुरुद्वारा है तो अपने 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब न संबंधित है। आओ गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं तो ये इतिहास बारे जानते हैं। ये गुरुद्वारा साहब का बारला पासा जी। तो यह सामने इतने एंट्री गेट बनया हुआ गुरुद्वारा साहब का। तो इतने लिखा भी हुआ निर्मल डेरा पाशाह दे पाशाह मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब भामिया साहब। गुरुद्वारा साहब अंदर एंटर होंगे ही इतने जोड़ा घर बनया हुआ जी। तुम इतने जोड़े उतार सकते हो। तो इस ही इतने लंगर हाल की बिल्डिंग भी बनी हुई है। तो इस ही इतने एक बोर्ड बनया हुआ जो आप दर्शन करने लिए जाते हैं। तो इतने संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले संतां की फोटो है। दूजे पासे ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा राम सिंह जी गंडुआ वाले उन्हां दी फोटो है। तो इत्थे लिखिया भी होया कि इस स्थान पर वाहिगुरु जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अजीत सिंह जी बाबा राम सिंह जी प्रेरणा से सारे संसार दीयां संगतां दे सहयोग नाल संसारक अमन शांति लई श्री अखंड पाठ अखंड पाठां की लड़ी 14 सितंबर 1986 तो चल रही है। तो इस सरबत के भले इन्होंने संसार की अमर शांति लई जिहड़ी अखंड पाठ साहिब की लड़ी है तुसीं ला लो कि 1986 तो इत्थे लगातार चल रही है। ये इत्थे गुरुद्वारा साहिब च कुछ बेनतियां भी लिखिया हुई हैं। तो ये भी तुसीं जदों दर्शन करन आए तो तुसीं ये भी इत्थे आके पढ़ सकते हो। गुरुद्वारा साहिब दे अंदर दे दर्शन करवा रहे हैं थानू वीडियो च। ते इहो इह गुरुद्वारा साहिब दे अंदर वो मेन दरबार साहिब बनया होया है जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है। ते एक वखरे ढंग नाल सजावट की हुई है तुसीं वीडियो च इहनूं देख भी सकते हो। जिहड़े ये स्थान बने हुए हैं जी शहीद सिंघां दे स्थान बने हुए तुसीं वीडियो च देख रहे हो। इत्थे उन्हां लिख के भी लाया कि इत्थे दुध डोलना प्रसाद रखण दे नाल नाल बेअदबी हुंदी है ते इस तरह का कुछ नहीं करना। तुसी देख सकते हो इत्थे शहीद सिंघां दे काफ़ी स्थान बने हुए हैं। दो स्थान ये अलग बने हुए हैं। तो वीडियो जिहड़े आपां पहलां देखे हैं वह लगभग 10 स्थान सीगे शहीद सिंघां दे। तो इत्थे अलग अलग स्थान बने हुए हैं सिंघां दे। ये जगह जिहड़ी है आपां आए गुरु घर मेरे लिए बिल्कुल नवा है। इत्थे मैं बिल्कुल पहली बार आया है। मेरे एक दोस्त ने आपां नूं सुजैसट करी सी जगह दसी सी कि गुरुद्वारा भामिया साहब बनया हुआ भामिया पिंड दे विच। ते वो शहीद सिंघां दा स्थान है। तो उन्हें भी दस्या कि इत्थे सेवा करन नाल कोई भी लंगर की सेवा करो या कोई भी तुसीं जोड़े की सेवा करो रसद की सेवा करो तो वह सेवा करन नाल थोड़े मन की मनोकामना पूर्ण हुंदी है पूरी हुंदी है। तो थानू जिहड़ा तीर्थ स्थान यात्रा का जिहड़ा पूरा फल है इशनान करन दा या तीर्थ यात्रा का फल वह इत्थे सेवा करन नाल मिलदा है। इस ये भी ये चीज़ सारी इत्थे जिहड़ा इतिहास दा इत्थे बोर्ड लग्गिया होया तुसीं उस ते भी पढ़ सकते हो। इस स्थान में श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का वर है कि जो भी प्राणी लंगर की सेवा दुध जोड़िया झाड़ू मार अते किसी भी किस्म की सेवा करेगा उस मन की शुभकामना पूरी होगी अते सारे तीर्थ के दर्शन इशनान का फल प्राप्त होगा। बाकी 4 नंबर पर एक भी लिखा है बाबा जी का प्रवचन है कि दरबार साहब दियाँ 25 परिक्रमा नित करो जी जो भी आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुम देख भी रहे हो कि वीडियो जी संगत इतने आ रही है वह परिक्रमा कर रही है। तो परिक्रमा मनिया जाता है कि परिक्रमा करने रोज़ दियाँ 25 परिक्रमा करने इतने जोड़ा भी करता वो मनोकामना पूर्ण होंगी है पूरी होंगी है। सामने इत्थे इस साइड तो एंट्री हुंदी है जी। इत्थे तुसी जाके मत्था टेक सकदे हो ते परिक्रमा कर सकदे हो। 25 इत्थे सिंह शहीदां दे स्थान बने हुए हैं। तो उस तो बाद इत्थे सामने लंगर हाल की बिल्डिंग इमारत है तुहानू उहदे भी दर्शन करवा दिंदे हैं। ये सारी इत्थे लंगर हाल की बिल्डिंग बनी हुई है जी। संगत बैठ के इत्थे चाह छक रही है इस टाइम। इस तो बाहर भी काफ़ी जगह खुली बनी हुई है गुरुद्वारा साहिब की जगह है सारी ये भी। तो यह सीगा जी अज का अपना छोटा जिहा ब्लॉग जिहड़ा कि उच्चा पिंड संघोल तो 6-7 किलोमीटर एक साइड से बनया होया भामिया पिंड गुरुद्वारा भामिया साहब 6वें गुरु हरगोबिंद साहब नाल संबंधित।